मैं धीरज फूलमती सिंह, बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इंसानों की बस्ती में या हम मनुष्यों के एक समूह में एक प्राणी मिलते हैं, समाज सेवक, जो समाज सेवा नहीं करते हैं, समाज सेवा के नाम पे कुछ नहीं करते हैं, मगर अपने आप को समाज सेवक कहते हैं। ये लोग एक ऐसी बिरादरी है जो अपने फोटो में, अपने स्टाइल में या अपने एक तमगा दिए रहते हैं समाज सेवक का। इन्होंने समाज सेवा के लिए कभी कुछ नहीं किया, कहीं ना कहीं टेबल के अंदर से कुछ कमाने के लिए जरूर काम करते हैं, मगर अपने आप को जब प्रचार करते हैं ना, तो वो लिखते हैं समाज सेवक। आपको पता है समाज सेवक बनना कितना आसान है या कैसे बनते हैं? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप कोशिश ये करिए कि किसी समझदार वकील से मिल लीजिए या संस्था जो नियोजन केंद्र है वहाँ चले जाइए। सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो कुल जमा 70-72 रुपए लगते हैं समाज सेवक बनने का सर्टिफिकेट लेने के लिए। अगर आप किसी वकील से बनते हैं तो 3 से 5 हज़ार में वो आपको समाज सेवक बना देता है। आपको ट्रस्ट रजिस्टर्ड करना है, फिर एक एनजीओ रजिस्टर्ड करना है, या आप संस्था रजिस्टर कर लीजिए या फाउंडेशन बना लीजिए, कई चीज़ें हैं, आप उसको कर लीजिए, आप समाज सेवक बन गए। आपके पास एक और चीज़ है, बड़ी कमाल की चीज़, आपको समझ में भी नहीं आएगी। आपको भले कोई पड़ोसी आपको जानता ना हो, आपको भले आपका पड़ोसी ना जानता हो, मगर आप अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय खजिनदार ऐसे तमगे से नवाज सकते हैं। आप ऐसे अपने आप को तमगा दे सकते हैं। समाज की सेवा नहीं करनी है, समाज की सेवा करना है तो फिर समाज सेवा होने का क्या मतलब है? वो तो छोटे मोटे लोग करते हैं, भड़कौवा लोग या भौकाली तो मारना जरूरी है ना, तो समाज सेवक का तो तमगा लेना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ लोगों को भी इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा हो जाते हैं, बस आप छोटी छोटी समूह बना लीजिए, किसी को शहर अध्यक्ष बना दीजिए, किसी को जिला अध्यक्ष बना दीजिए, किसी को जिला सचिव बना दीजिए, किसी को वार्ड अध्यक्ष बना दीजिए। सरकारी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप बन सकते हैं। अब इसके बाद अब आपका क्या होगा, भौकाल टाइट हो गया। दूसरी बात, कुछ ना कुछ समारोह करते रहिए, समाज सेवा मत कीजिए। किसी दिन किसी हॉल में बुला लीजिए, 200, 250, 300 लोगों का समारोह कर लीजिए, कोई भी प्रोग्राम कार्यक्रम कर लीजिए। उसमें करना क्या है, आपको सिर्फ भौकाल बनाना है, कुछ ट्रॉफियां इकट्ठी कर रहे हैं, कुछ हार और फूल गुलदस्ते इकट्ठे करने हैं, एक कोई नेताजी को पकड़ लेना है जो आपके उस समारोह में, आपके कार्यक्रम में आए, शिरकत करे। फिर क्या करना है, आप अब एक कोई सिंगर रख लीजिए जो आपके भाषा में, आपके समूह की जानकारी रखता हो, गीत संगीत का कुछ नहीं, सुर ताल की जरूरत नहीं है, सुर की जानकारी हो, संगीत की जानकारी हो, ताल की जानकारी हो, ये जरूरी नहीं है। बस एक छुट भैया होते हैं ना गली गली नुक्कड़ में, जो सिंगर उंगर मिलते हैं, म्यूजिशियन मिलते हैं, उनको आप हायर कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, 5-10 हज़ार में मिल जाते हैं, पूरा का पूरा समूह गाएगा। सबसे बड़ी बात, जब तक वो गाएंगे ना, आपकी तारीफ करते रहेंगे, आपका नाम 20 बार लेंगे, 25 बार लेंगे। वो 250-300 लोगों का समारोह है ना, समूह, वो आपको व्यक्तिगत रूप से जान जाएगा। हो गए भोकाल टाइट। अब अच्छा, एक ध्यान रखने का, ऐसा कोई भी कार्यक्रम रखते हैं, सम्मान समारोह, कजरी मिलन समारोह, दिवाली समारोह, जो भी चीज़ रखते हैं, कार्यक्रम रखते हैं, तो उसमें एक चीज़ है, खाना जरूर रखिए। अगर आप भोजन नहीं करवाते हैं तो कोई आपके कार्यक्रम में नहीं आएगा। अगर उनको समझ में, आप कार्ड जब छपवाते हैं ना तो लिखें, ये सम्माननीय अध्यक्ष आ रहे हैं, सम्माननीय नेताजी आ रहे हैं, सम्माननीय समूह के या आपके समाज के ये सम्मानी लोग आ रहे हैं, मगर नीचे एक लाइन जरूर लिखिए, भोजन पानी का प्रबंध है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 250 लोगों को बुलाएंगे, 300 लोग टहलते हुए आ जाएंगे, क्या होगा, आपका कार्यक्रम हिट। 90% लोग जो वहां बैठे हैं ना, वो इंतजार में है, सिर्फ आप भूखे दे रहे हैं, नेताजी का सम्मान हो रहा है, आपका सम्मान हो रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं, उसके बाद लोग सिर्फ इंतजार में होते हैं कि कब
कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़े, खाना वाना मिले और खाते हुए निकल जाए। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसे ले आते हैं कि कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करें कि किसी लोकल टुटपुंजिए लोगों को इकट्ठा कर लें, बोर्ड बनाए, बैनर बनाए, अपने पैसे से खर्च तो अपना वैसा करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए खर्चा करेंगे, बोर्ड बना लेंगे, बैनर बना लेंगे, उसके ऊपर आपका फोटो जम जाएगा, आपके साथ कुछ 4-5-10 लोग नीचे जम जाएंगे और आप हो गए, आपका भौकाल टाइट हो गया, आप बन गए समाज सेवक। बड़ा आसान है, सच कह रहा हूँ, बड़ा आसान है समाज सेवक बनना। अब फिर जो आपके साथ लगे हैं उनको कोई ना कोई सम्मान दे दीजिए, कोई ना कोई पद दे दीजिए, कोई ना कोई तमगा दे दीजिए। देखिए आपके पीछे फौज की फौज खड़ी हो गई। अच्छा हाँ, एक ध्यान रखिएगा, समाज सेवक बनिए, समाज की सेवा आपको नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। 1-1.5 लाख, 2 लाख रुपए कार्यक्रम पे फूंक दीजिए, 200-250 लोगों को खाने पे बुला लीजिए, उनको खिला दीजिए, देखिए आपका दूसरे तीसरे दिन भौकाल टाइट, लोग आपको पहचानने लग जाएंगे। अरे बड़का फलनवा है तो ये फलाने हैं, तो ये तो ये है वो है, इससे क्या होगा, आपका रुतबा बढ़ गया समाज में। अब भले ही समाज को आप कुछ ना दे रहे हो, 1-1.5 लाख लोगों को, सॉरी 1-1.5 लाख खर्च करके लोगों को खिला दीजिए, एक छोटा मोटा कार्यक्रम कर लीजिए। भले ही गरीबों की आप मदद ना करें, विद्यार्थियों की आप मदद करें ना करें, समाज से वंचित तबका जो है उनकी आप मदद ना करें, मगर कार्यक्रम जरूर करें। और कार्यक्रम करने के बाद आपका रुतबा तो ऑटोमेटिकली बढ़ना है। कितने लोग समाज सेवा करते हैं, कितने लोग, जितने एनजीओ रजिस्टर हैं उसमें से 1% काम करते हैं, बाकी सिर्फ भौकाल मारते हैं। आप भी मरिए, क्या फर्क पड़ता है, 99 में आप शामिल है ना, मेजोरिटी वाली समूह है। इसके बाद अगर आपका एक और चीज़ है, कुछ हो सके तो किसी राजनीतिक पार्टी को पकड़ लीजिए। नेता लोगों को भी बड़े ऐसे समाज सेवक बड़े पसंद आते हैं, सच कह रहा हूँ मैं, ऐसे समाज सेवक नेता लोगों को भी पसंद आते हैं, उनका भी भौकाल टाइट रहता है, कोई ना कोई कार्यक्रम में बुलाए रहे हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहे, आपका काम हो जाएगा, आप समाज सेवक हो जाएंगे, वो नेताजी हो जाएंगे, फिर उनको ये लगेगा कि किसी न किसी पार्टी के आप समर्थक हैं, समर्थक होना जरूरी है, आप अकेले रह जाएंगे ना, अन्यथा आप अकेले हो जाएंगे, फिर आप समाज सेवक नहीं हो जाएंगे, आपसे लोग कटेंगे और लोग बोलेंगे अरे यार ये तो ईगो वाला है। तो बेहतर है कि किसी पार्टी को पकड़ लीजिए, किसी पार्टी की पूंछ बन जाइए, जरूरी थोड़ी ना है कि पार्टी का दिमाग बने, चेहरा बने, उससे समाज सेवक नहीं बने, क्योंकि नेताजी भी आपको बढ़ने देंगे नहीं। हाँ एक और चीज़ है, छोटा मोटा भी कार्यक्रम करते रहिए, कहीं चले जाइए, उनको बुके दे दीजिए, फूलों का गुलदस्ता दे दीजिए, फोटो खींच लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, भौकाल टाइट, लोगों को लगे यार बड़का समाज सेवक है, इसमें समाज सेवा क्या है, मगर वो तो आपको पता है, मुझे पता है कि समाज सेवा हम कर रहे हैं। भाई नेताजी को, किसी समाज के रुतबेदार को अगर हम कोई बुके दे रहे हैं तो बड़ी बात है, भले ही वो 250-300 रुपये का बुके हो या किसी ने वापस वापरा हो, वो बात अलग है। इससे एक फ़ायदा क्या होगा, लोग आपको जानेंगे, आप काम करें ना करें। हाँ फोटो खिंचाना भूलिएगा मत, फोटो जरूरी है, नेता लोग होते हैं ना, नेता लोग आप जैसे ही समाज सेवा को ढूंढते रहते हैं, वो एक ही समूह के 4 अलग अलग लोग हैं, सबके साथ वो दोस्ती करते हैं, 20-25 लोग जो भी अलग अलग समूह हैं, समाज के अलग अलग समूह हैं, सबसे नेता टाइप के लोग सबसे दोस्ती करते हैं। अब आप उसमें भिड़े रहिए, भाई नेताजी हमारे करीब हैं, वो दूसरा समूह है वो समझेगा कि नेताजी हमारे समय, नेताजी किसी के साथ नहीं होते हैं, नेताजी किसी समूह में नहीं होते हैं, भले ही आप उनके साथ फोटो खींच के भौकाल टाइट किए रहिए, मगर आप नेता आपके साथ नहीं होता, वो सिर्फ वो देखता है कि मुंडी कितनी है, आपके पीछे कितने सर हैं, आपका समूह कितना तगड़ा, आपके साथ कितने लोग हैं, वो आपको भाव देता है। उसको अगर अच्छे बात करने में उसका कुछ खर्च नहीं हो रहा, आपसे प्रेम स्नेह बात करने में, आपसे दोस्ताना व्यवहार करने में उसका 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं करेगा वो आदमी, तो टेंशन में तब होता है ना जब उसका कुछ खर्च जा रहा है, नेताजी का कुछ जाएगा नहीं, और आपकी भी वारे न्यारे हो जाएंगे, आप भी समाज सेवक के तमगे से, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, बस यही करना है। सबसे पहले अपना बैनर रहने लगा लेना, अपने चेले चपाटे को बोलते रहना भाई फोटो डालते रहें, फोटो डालने से परहेज नहीं करना है,
फोटो डालने का भौकाल लगातार होना चाहिए। आपको याद रखें, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना ग्रुप बना लीजिए। व्हाट्सअप सबसे बढ़िया चीज़ है, सोशल मीडिया सबसे बढ़िया चीज़ है। आजकल तो कई ऐप भी आ गए हैं जिसमें आप अपना ग्रुप बना लीजिए, समाप लोगों को जोड़ दे रही है। फिर आप जहाँ जा रहे हैं, आप केला किसी को बांट रहे हैं, किसी को केला कहीं खा रहे हैं, वो फोटो डाल दिए, भाई आज हम समाज सेवक केला खा रहे हैं, किसी दिन एप्पल खाइए, चिकन खाइए। आप किसी को बुके दीजिए, किसी को हार पहनाइए, कोई आपको हार पहना दिया, फोटो डाल दीजिए, सबका फोटो खींच लीजिए और डालते रहिए। बड़ का भौकाल बना रहेगा, समाज सेवक बने रहेंगे। अब फिर मैं कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको समाज सेवा करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। समाज सेवा करके आखिर होता क्या है? भौकाल तो कम से कम नहीं मिलता है। तो आप क्या करें, इस बहाने अपने आप को तैयार करते रहें, इससे आपको फायदा होगा। आपके स्थानीय लोग हों या आपके आसपास के लोग, भले ही, मैं वही कह रहा हूँ ना, भले ही 10-12-15 लोग हों, सबको बताते रहिए मेरा इस फलाने नेता से पहचान है, मेरा इस फलाने राजनीतिक लीडर से पहचान है, समाज के ये रुतबेदार हैं, इन लोगों से मेरी पहचान है। इससे फ़ायदा क्या होगा? वो आपको एक अलग ही ओहदा देंगे, आपको एक सामाजिक रूप से ऊंचे आसन पे पहुंचा देंगे। फिर आपका वही भौकाल टाइट हो गया, लोगों को लगेगा आप सचमुच बहुत बड़े समाज सेवक हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, समाज सेवा करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ अपने नाम के आगे। एक फ़ोटो, कोई भी त्यौहार हो ना, त्यौहार हो, एक फ़ोटो बनाइए। एप्लीकेशन बहुत सारे आ जाते हैं, फ़ोटो बनाइए, दिवाली का, होली का, ईद का, कुछ भी फ़ोटो बनाइए, क्रिसमस का, आपका कोई लेना देना ना हो, भले आपके घर में कोई मनाता ना हो, आप उस त्यौहार से संबंधित ना हो, मगर उसको फ़ोटो बना लीजिए, उसका एक बैनर बना लीजिए, उसके साथ अपनी फ़ोटो चिपका दीजिए और फिर सबको भेजते रहिए, फलाने सिंह समाज सेवक। व्हाट्सएप पे भेजिए, सोशल मीडिया पे डाल लीजिए। आजकल समाज सेवक बड़ा आसान है, नाम कमाना बड़ा आसान है, लोग यही चाहते हैं और लोग यही करते भी हैं। एक छोटा मोटा सामाजिक 10-20-12-20-25 लोगों का एक गेट टुगेदर कर दीजिए, उनको कुछ खिला दीजिए, पिला दीजिए, देखिए आपका रुतबा, आपका भौकाल टाइट नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। समाज सेवक बनने का सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको बताया, इस पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान तरीका है, करना कुछ भी नहीं है, करना होना कुछ भी नहीं है, अगर आप समाज सेवक बन जाएंगे।